डिप्रेशन होता है उसका, वो थोड़ा उसमें एबनॉर्मलिटी आ जाती है, ठीक है, इन सब चीज़ों में, प्लेसेंटा की एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और इम्प्लांटेशन में एबनॉर्मलिटी के कारण मदर और फीटस पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो इसके अब टाइप देखते हैं, इसके टाइप तो सबसे पहले देखते हैं लार्ज प्लेसेंटा। तो इसमें क्या होता है, प्लेसेंटा की जो नॉर्मल साइज होती है उससे उससे प्लेसेंटा लार्ज साइज का हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो प्लेसेंटा के नॉर्मल वेट से 500 ग्राम ज़्यादा उसका वेट हो जाता है, ठीक है। तो ये मेनली कुछ डिजीज में होता है, जैसे कि सिफिलिस, डायबिटीज जैसी कंडीशन अगर मदर में है तो उसको जैसे लार्ज प्लेसेंटा हो सकता है, ठीक है। सेकेंड हम देखते हैं, सेकेंड देखते हैं प्लासेंटा सक्शन चूरिएट। इसमें क्या होता है कि जो मेन प्लेसेंटा होता है उसका जो मेन लोब होता है उससे हटकर, या फिर उसके अलावा एक या दो लोब अलग से इम्प्लांट होते हैं, ठीक है। तो एक या दो लोब मेन लोब से एक या दो लोब अलग इसमें दिखते हैं, ठीक है, जो कि अम्बिलिकल वेसल्स और प्लेसेंटा की मेम्ब्रेन्स के द्वारा प्लेसेंटा से जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो जो छोटे छोटे लोब होते हैं वो मेन लोब से अम्बिलिकल वेसल्स और प्लेसेंटा की जो मेम्ब्रेन है उसके द्वारा जुड़े रहते हैं, ठीक है। और इसके कारण कॉम्प्लिकेशन पीपीएच हो सकता है, पोस्टपार्टम हेमरेज हो सकता है ऐसे प्लेसेंटा के कारण, क्योंकि हो सकता है जब डिलीवरी के बाद में प्लेसेंटा कम्प्लीटली आउट ना हो, उसके कुछ लोब्स अंदर रह जाए, तो उसकी वजह से बीपीएच हो सकता है, ठीक है। और इसके अलावा इसकी आप इमेज देखिए एक बार, ठीक है। इसके अलावा एक इसका एक टाइप और जिसको प्लेसेंटा स्पूरिया बोल सकते हैं। तो स्पूरिया में क्या होता है कि मेन लोब से जो उसके अदर लोब्स हैं वो तो होते हैं, मेन लोब भी होता है कुछ प्लेसेंटा के, एक मेन लोब होगा और उसके कुछ और अदर लोब्स होते हैं प्लेसेंटा के, लेकिन वो आपस में जुड़े हुए नहीं रहते, किसी वेसल्स या मेम्ब्रेन्स के द्वारा वो जुड़े हुए नहीं रहते आपस में, ठीक है। तो उसको बोलते हैं प्लेसेंटा स्पूरिया, ठीक है। उसके बाद में थर्ड हम देखते हैं बाईपार्टाइट प्लेसेंटा। इसमें क्या होता है कि जो प्लेसेंटा होती है उसका मतलब एक या दो एक जैसे लोब्स होते हैं, एक समान लोब्स होते हैं जो कि एक दूसरे के पास में ही स्थित होते हैं, ठीक है। और अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ने से पहले ये अम्बिलिकल वेसल्स के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं, ठीक है। इसमें इसमें क्या होता है कि एंटीपार्टम हेमरेज और पोस्टपार्टम हेमरेज के चांसेस इसमें ऐसी कंडीशन में रहते हैं, ठीक है। तो इसकी भी आप इमेज देखिए, लोबुलर भी बोलते हैं। उसके बाद में हमारा जो फोर्थ है वो है सर्कमवेलेंट प्लेसेंटा। तो सर्कमवेलेंट प्लेसेंटा है उसमें क्या होता है कि जो फीटल सरफेस पे जो एमनियोटिक और कोरियोनिक जो एमनियन और कोरियन मेम्ब्रेन्स होती है फीटल सरफेस पे उनकी डबलिंग के कारण, एमनियोटिक और कोरियोनिक मेम्ब्रेन की डबलिंग के कारण एक ओपेक रिंग बन जाती है प्लेसेंटा के चारों तरफ, ओपेक रिंग बन जाती है, ठीक है। तो इसकी भी आप इमेज देखिए, ठीक है। उसके बाद में लेटर डोर प्लेसेंटा। लेटर डोर प्लेसेंटा में क्या होता है कि जो प्लेसेंटा होती है उसमें अम्बिलिकल कॉर्ड प्लेसेंटा के सेंटर में ना जुड़ के उसके किनारे से जुड़ती है, ठीक है। इसकी वजह से उसको बेटर डोर प्लेसेंटा बोलते हैं, ठीक है। इसकी वजह से क्या होती है कि जो प्लेसेंटा होती है उसके सेंटर में ना जुड़ के उसके साइड से अगर जुड़ती है प्लेसेंटा है तो उसके साइड से अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ती है तो ऐसा मतलब जो प्लेसेंटा है उसकी अपीयरेंस जो टेबल टेनिस के जो बेट होता है उसके समान दिखाई देती है, ठीक है। इसकी इमेज देखिए आप, उसके
अम्बिलिकल जो कॉर्ड होती है वो प्लेसेंटा से दूर होती है, दूरी से स्थित होती है, धार से मेम्ब्रेन्स के द्वारा वो अटैच होती है, लेकिन उस मेम्ब्रेन्स में अम्बिलिकल जो वेसल्स हैं वो फैली होती हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से कई बार रप्चर होने की वजह से पीपीएच हो सकता है, ठीक है, ऐसी कंडीशन। इसकी इमेज भी आप देखिए, उसके बाद में अपना है फेनेस्ट्रेट प्लेसेंटा। तो फेनेस्ट्रेट प्लेसेंटा में क्या होता है कि जो नॉर्मल प्लेसेंटा होती है उसके बीच में होल बने रहते हैं, ठीक है, कुछ एक या दो होल उसमें होते हैं प्लेसेंटा में। तो ठीक है, इसकी इमेज देखिए आप, ठीक है। इसके बाद में जो टाइप्स है बेस्ड ऑन इम्प्लांटेशन, मतलब प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन कैसे हो रहा है यूट्रस में, उसके बेस पे टाइप्स होते हैं इसके। तो रेटास होते हैं, तो इसमें तीन टाइप होते हैं, एक्रेटा, इनक्रेटा एंड परक्रेटा। तो जो एक्रेटा होता है उसमें क्या होता है, जो मायोमेट्रियम जो होती है, एंडोमेट्रियम जो होती है, उसकी बेसल लेयर तक प्लेसेंटा इन्वेड हो जाती है, ठीक है। जो एंडोमेट्रियम है उसके बेसल लेयर तक प्लेसेंटा इन्वेड होती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एक्रेटा। और इनक्रेटा क्या होता है, जो मायोमेट्रियम होती है वहाँ तक प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन हो जाता है। तो जो मायोमेट्रियम है वहाँ तक प्लेसेंटा इन्वेड हो जाती है यूट्रस में, ठीक है। और परक्रेटा का क्या मतलब है, परक्रेटा को आप ऐसे भी समझते हैं आर पार होना, तो ठीक है, इससे आपको याद रहेगा। तो परक्रेटा का क्या मतलब होता है कि परक्रेटा में जो प्लेसेंटा ऐसे इम्प्लांट होती है यूट्रस में जिसकी वजह से यूट्रस रप्चर भी हो सकता है, परफोरेट हो जाता है यूट्रस, ठीक है। तो यूट्रस को परफोरेट करके वहाँ पे प्लेसेंटा वो इम्प्लांट होती है, ठीक है। तो वो पूरी तरह से इन्वेड होकर यूट्रस के बाहर की तरफ निकल जाती है प्लेसेंटा, ठीक है। तो ये हमारे टाइप्स हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक एब्नॉर्मलिटीज ऑफ कॉर्ड पढ़ते हैं। फर्स्ट होता है शॉर्ट कॉर्ड, इसमें क्या होता है जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसकी लेंथ नॉर्मल से छोटी होती है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड की लेंथ है वो 30 सेंटीमीटर या फिर इससे कम होती है, ठीक है। मेनली क्या होता है, ब्रीथ प्रेजेंटेशन में जो शॉर्ट कॉर्ड है उसकी संभावना ज़्यादा होती है, ठीक है। और शॉर्ट कॉर्ड की वजह से अभ्रूक्ष प्लेसेंटा हो सकता है, यूटेराइन इन्वर्जन हो सकता है, क्योंकि जो शॉर्ट कॉर्ड अगर बच्चा मूव करेगा, फिटस मूव करेगा, तो वो शॉर्ट कॉर्ड में खिंचाव होगा, उस वजह से क्या होता है अब्रप्शन प्लेसेंटा हो सकता है, या फिर डिलीवरी के टाइम पे फिटस अम्बिलिकल कॉर्ड के साथ में हो सकता है यूट्रस में यूट्रस का इन्वर्जन हो जाए, ठीक है। इसकी भी आप इमेज देखिए, उसके बाद में हमारा है लॉन्ग कॉर्ड। तो लॉन्ग कॉर्ड में क्या होता है कि अम्बिलिकल कॉर्ड की लेंथ जो होती है वो 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है, ठीक है। तो नॉर्मल से ज़्यादा लेंथ की होती है अम्बिलिकल कॉर्ड। तो इसमें क्या होता है कि कुछ कॉम्प्लिकेशन इसमें भी हो जाते हैं, जैसे कि
कहीं रॉन्ग बोर्ड है तो उसका प्रोलैप्स हो सकता है, ठीक है। या फिर जो फीटस है उसकी नेक के चारों तरफ भी बोर्ड जो होती है वो लिपट सकती है, जिसकी वजह से क्या होता है फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है, ठीक है। या फिर फीटल की डेथ भी हो सकती है ऐसी कंडीशन में। तो इसकी इमेज आप देखिए, तो
बाद में होता है बेबी का, ठीक है, जो होता है क्योंकि हो सकता है प्लेसेंटल इनसफिशियंसी हुई हो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि नंबर्स ऑफ सेल्स तो नॉर्मल रहते हैं, बट जो सेल्स के साइज हैं वो हो सकता है स्मॉल हो। तो ये होता है प्राइमरी। सेकेंड हमारा है फोर्थ इडियोलॉजी। तो इसके इडियोलॉजी कॉजेस क्या क्या है, तो इसमें थ्री कॉजेस हैं, मेंटल कॉज, फिटल कॉज एंड प्लासेंटल कॉज। तो फर्स्ट है मेंटल कॉज। तो मेंटल कॉज में क्या होता है, माल न्यूट्रिशन। तो मेंटल माल न्यूट्रिशन इसका कॉज हो सकता है, ठीक है। तो अगर मदर माल नरिश है तो उसकी वजह से हो सकता है बेबी को भी प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाए, ठीक है, जिसकी वजह से IUGR के चांसेस होते हैं, ठीक है। और सेकेंड हो सकता है मेंटल डिजीज। तो कोई मेंटल मदर को कोई डिजीज है जिसकी वजह से भी IUGR हो सकता है, जैसे कि एनीमिया, हाइपरटेंशन या फिर हार्ट डिजीज, लिवर डिजीज। तो ये सब कॉजेस मदर में हो सकते हैं, ठीक है। थर्ड होता है टॉक्सीमिया, टॉक्सिन्स मदर है टॉक्सिन्स। तो टॉक्सिन्स जैसे कि मदर एल्कोहलिक हो, ठीक है, या स्मोकिंग स्मोकिंग हैबिट्स हो मदर में, या फिर और अदर जो जैसे कोकेन या हेरोइन या फिर अदर ड्रग्स लेती हो मदर, तो ऐसे मदर्स में भी IUGR बेबीज के चांसेस रहते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकेंड है फीटल कॉज। तो फीटल कॉज में क्या होता है, जैसे कि जो बच्चा है, जो फीटस है, वो जो सब्सटेंस है उनका प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, जो न्यूट्रिएंट्स उसको मिल रहे हैं उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। या फिर कुछ और तो उसमें जो एंजाइटल डिजीज उसकी वजह से भी IUGR हो सकता है, ठीक है। या फिर कोई इन्फेक्शन या फिर कोई फेलियर ऑफ स्ट्रक्चर एनोमलीज या फिर इसकी वजह से IUGR हो सकता है। इन्फेक्शन जैसे टॉर्च इन्फेक्शन है, तो या फिर रूबेला है, ठीक है, तो रूबेला हर्पीस वायरस, ठीक है, इन सब में, या फिर मल्टीपल प्रेगनेंसी है, तो इन सब में IUGR का रिस्क होता है बच्चे में, ठीक है। थर्ड है प्लासेंटल कोज। तो प्लासेंटल कोज में क्या होता है कि जो जो पुअर यूटेराइन ब्लड फ्लो है प्लासेंटल साइड, मतलब हो सकता है प्लासेंटल साइड से लंबे टाइम तक यूट्रस को या फिर प्लासेंटा को, मतलब या बच्चे को ब्लड सप्लाई है वो पुअर मिल रही है, ठीक है, और मतलब प्लासेंटा सप्लाई नहीं कर पा रही है बच्चे को ब्लड, प्रॉपर ब्लड, ठीक है। या फिर इन या फिर प्लेसेंटा में इन प्रॉपर या फिर इन एडिक्वेट एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो, ठीक है। फोर्थ होता है अननोन कॉज, ठीक है, उसके भी मतलब 40% केस ऐसे होते हैं जिनका कॉज अननोन होता है, ठीक है। उसके बाद है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में इसकी क्लिनिकली पार्पेट करेंगे यूट्रस को, ठीक है, तो उसकी फंडल हाइट हम चेक करते हैं, ठीक है, तो उसकी फंडल हाइट नॉर्मल से हमको कम मिलेगी, या फिर जो मेटाबॉलिक वेट गेन है वो भी कम होगा,
होगी उसके वजह से जो रिंकल्स होंगे उसकी स्किन पे या फिर ड्राई स्किन होगी बेबी की, और बेबी जो है वो ओल्ड मैन लाइक अपीरियंस भी दे सकता है, ठीक है। और रिफ्लेक्सेस होंगे बेबी के वो नॉर्मल रहेंगे, ठीक है। बेबी अलर्ट होगा, ठीक है, क्राई करेगा, एक्टिव होगा, ठीक है, और आईज भी ओपन करेगा, ठीक है। तो ये सब क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलेंगे। और उसके बाद में कॉम्प्लिकेशन, तो कॉम्प्लिकेशन में क्या होता है कि सबसे पहले फिटल कॉम्प्लिकेशन देखते हैं। तो फिटल कॉम्प्लिकेशन में क्या होता है कि जो एंटीनेटल क्रोनिक फिटल डिस्ट्रेस या फिर फिटल डेथ हो सकती है, ठीक है, और इंट्रानेटल हाइपोक्सिया हो सकता है फिटस में, और या फिर आफ्टर बर्थ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया या फिर हाइपोथर्मिया भी हो सकता है, ठीक है, और इंट्रा वेंट्रिकुलर हेमरेज हो सकता है फिटस में। और उसके बाद में लेट कॉम्प्लिकेशन में देखें तो कुछ न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल रिटार्डेशन हो सकता है फिटस में, ठीक है। अब देखते हैं इसकी कुछ मैटरनल कॉम्प्लिकेशन, तो मदर में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होंगे। तो मदर में मेनली फिटल आईयूजीआर में मदर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मदर के हेल्थ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आईयूजीआर से, लेकिन मदर में अगर कुछ डिजीज है जैसे हाइपर टेंशन है, डायबिटीज है, तो उनकी वजह से आईयूजीआर कॉज हो सकता है। उसके बाद हम देखते हैं इसका मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में सबसे पहले तो हम आईयूजीआर को कन्फर्म करेंगे, डायग्नोसिस करेंगे प्रॉपर, ठीक है, और कुछ कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन है तो उनका ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है, और कुछ जेनाइटल डिसऑर्डर्स है तो उनका ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है, और मालन्यूट्रिशन को ट्रीट करेंगे। और जो कॉम्प्लिकेशन अदर जो कॉम्प्लिकेशन फैक्टर्स है जिनकी वजह से और कॉम्प्लिकेशन हो सकती है उनका ट्रीटमेंट करेंगे, उनका मैनेजमेंट करेंगे, और फेटल मूवमेंट को असेस करेंगे, ठीक है। अब इसका मैनेजमेंट दो तरह से हो सकता है, या तो फिटस जो जस्टेशनल एज है वो लेस देन 37 वीक हो, या फिर जस्टेशनल एज मोर देन 37 वीक है। तो अगर जस्टेशनल एज मोर देन 37 वीक है तो उसमें क्या करेंगे, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देंगे, ठीक है, तो मतलब बेबी डिलीवर करवाएंगे। और प्रेगनेंसी 37 वीक से पहले है, बिफोर 37 वीक प्रेगनेंसी है, और इस कंडीशन में अगर माइल्ड आईयूजीआर है तो माइल्ड आईयूजीआर क्या करेंगे, मदर को रेस्ट प्रोवाइड करेंगे, फोलिक एसिड सप्लीमेंट देंगे, आयरन सप्लीमेंट देंगे, मतलब प्रॉपर न्यूट्रिशन उसको देंगे, और फीटल मॉनिटरिंग करेंगे कंटिन्यू 37 वीक तक। उसके बाद में 37 वीक कंप्लीट होने के बाद में हम बेबी को डिलीवर करवाएंगे, ठीक है। ये तो है माइल्ड आईयूजीआर में। और अगर सीवियर आईयूजीआर है, सीवियर कंडीशन में फीटस को आईयूजीआर है, तो उस कंडीशन में जो प्री मैच्योरिटी है या डिस मैच्योरिटी है उसको मदर में, अगर ऐसी कंडीशन है तो उसको मदर को वेल इक्विपाइड सेंटर्स में भेजेंगे, जहाँ पे ऐसे हॉस्पिटल में जहाँ पे सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हो ऐसे सेंटर्स में मदर्स को रेफर करेंगे, ठीक है। और अगर बच्चा मैच्योर है तो उसको डिलीवर करवाएंगे, और अगर बच्चा मैच्योर नहीं है तो इस कंडीशन में पेशेंट को उस मदर को एडमिट करके प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है, ठीक है। अगर मदर में फोलिक एसिड या न्यूट्रिशन की कमी है तो उसको मदर को जो है प्रॉपर न्यूट्रिशन देंगे, प्रॉपर बेड रेस्ट देंगे, ठीक है, और फोलिक एसिड सप्लीमेंट देंगे, आयरन सप्लीमेंट देंगे, ठीक है, और मदर को हाइपर ऑक्सीजनेशन करेंगे, ठीक है, और प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और अगर फिर भी प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं हो पा रही है, फिर फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन बहुत सीवियर कंडीशन में है, फीटल ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, तो उस कंडीशन में